ज्योतिष के जानकारों की माने तो सभी ग्रहों का राजा सूर्य माने जाते हैं और सूर्य की जैसे स्थिति होती है उसके मुताबिक व्यक्तियों के कैरियर और मान सम्मान पर प्रभाव भी पड़ता है। आपको बता दें कि 13 फरवरी 2019 मंगलवार की सुबह 8:49 पर सूर्य ने कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया है और ये इस राशि में 15 मार्च की सुबह 5:40 तक रहने वाले हैं। सूर्य के इस परिवर्तन की वजह से सभी 12 राशियों पर इसका कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। सूर्य के होने वाले इस परिवर्तन की वजह से किसी राशि को इसका अच्छा परिणाम मिल सकता है तो किसी राशि को इसका बुरा परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से इस परिवर्तन का आपकी राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन से किन राशियों को फायदा मिलने वाला है। पहला, मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों की कुंडली में सूर्य 11वें भाव में गोचर कर चुके हैं जिसकी वजह से इस राशि वाले लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं उनको इस परिवर्तन की वजह से बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपको तरक्की के रास्ते हासिल होंगे और अचानक बड़ा धन लाभ मिलने का योग बन रहा है। सूर्य देव की कृपा से आपके सभी कार्य संपन्न हो सकते हैं। आपके घर परिवार में अपार खुशियां बनी रहेंगी। दूसरा, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों की कुंडली में सूर्य ने 10वें भाव में गोचर कर लिया है जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपको समाज में मान सम्मान और नाम भी प्राप्त होगा। पैसों की स्थिति में सुधार आएगा। आप नया वाहन खरीद सकते हैं। जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा किए गए निवेश में अच्छा मुनाफा मिलेगा। इस समय के दौरान आपको बहुत ही बेहतर परिणाम मिल सकता है। राजनीति और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोगों को सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपको खूब तरक्की भी मिलेगी। तीसरा, कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। आपकी कुंडली में सूर्य 6वें भाव में गोचर कर चुका है। इस राशि वाले लोगों को राजयोग की प्राप्ति होगी। अगर आपके किसी के साथ लंबे समय से शत्रुता चली आ रही है तो वो अब दूर हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आप इस समय के दौरान किसी भी मुकदमेबाजी में सफलता हासिल करेंगे। आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर आपके लिए सूर्य का ये परिवर्तन बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। चौथा, धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों की कुंडली में सूर्य ने 3रे भाव में गोचर कर लिया है जिसकी वजह से आपको अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपके संबंधों में मजबूती आएगी। कुछ प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात भी हो सकती है जिनसे कि आपको फायदा मिलेगा। पिता के सहयोग से आप अपना अधूरा कार्य पूरा कर सकते हैं। अचानक किसी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी। पांचवा, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य ने 1 भाव में गोचर कर लिया है जिसकी वजह से आपके प्रेम संबंधों और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। खास तौर से जो लोग व्यापारी हैं उनको अपने व्यापारिक क्षेत्र में अच्छा मुनाफा मिलने का योग बन रहा है। आपका ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो इससे आपका जीवन खुशहाल बना रहेगा और आपको और भी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। छठा, मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य ने 12वें भाव में गोचर कर लिया है जिसकी वजह से आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी भी होगी और सरकारी क्षेत्रों में आपको कामयाबी मिलने का योग बन रहा है। किसी भी मुकदमेबाजी में आपको जीत हासिल होगी।
आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो दर्शकों, ये थी वो 6 राशियां जो सूर्य के कुंभ राशि में परिवर्तन करने की वजह से इनको भारी धन लाभ होने वाला है और इनका आने वाला समय भी शुभ रहने वाला है। यहाँ तक कि सूर्य देव की कृपा की वजह से ये अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। जबकि वहीं 6 राशियां ऐसी भी हैं जिनके लिए आने वाला समय सामान्य रहेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जानते हैं उन बाकी की बची हुई 6 राशियों के बारे में कि कैसा रहेगा उनका आने वाला समय। तो बची हुई राशियों में शुरू करते हैं सबसे पहले मिथुन राशि वालों से। मिथुन राशि वाले लोगों को सूर्य के इस परिवर्तन की वजह से मिला जुला लाभ मिलने वाला है। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपका मन कार्यों में लगेगा, लेकिन आपके पिता की सेहत में गिरावट आ सकती है, इसलिए आप उनकी सेहत का ध्यान रखिए। आप अपने कार्यों में ज्यादातर सफल हो सकते हैं। आपको कार्यस्थल में संतोषजनक परिणाम हासिल होंगे। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले लोगों की कुंडली में सूर्य ने 8वें भाव में गोचर कर लिया है, जिसकी वजह से आपका ये समय कुछ खास नहीं रहेगा। आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं। आपको वाहन चलाते समय सावधान रहने की जरूरत है, वरना दुर्घटना होने की संभावना भी बन रही है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। बिना किसी वजह के वाद विवाद में बिल्कुल भी ना पड़ें, वरना आपकी परेशानियां और भी अधिक बढ़ सकती हैं। खास तौर से आपको अपने कार्यों में ध्यान देने की खास जरूरत है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले लोगों की कुंडली में सूर्य ने 7वें भाव में गोचर किया है, जिसकी वजह से आपको किसी से धोखा मिलने का योग बन रहा है। और जो लोग व्यापारी हैं उनको अपने भागीदारों से मतभेद का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी किसी गंभीर बीमारी का शिकार भी हो सकता है, अगर आप अपना कोई भी व्यापार साझेदारी में कर रहे हैं तो आपको खास सावधानी बरतने की जरूरत है। मित्रों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य ने 5वें भाव में गोचर कर लिया है। इस राशि वाले लोगों को दिल से जुड़ी हुई परेशानियां पैदा हो सकती हैं। आप बाहर का खाना पीना मत कीजिए और जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए ये समय सामान्य रहेगा। आपको शिक्षा के क्षेत्र में अधिक ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपनी संतान पर ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य ने 4थे भाव में गोचर कर लिया है, जिसकी वजह से आपका ये समय थोड़ा चिंताजनक रह सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अपने कार्यस्थल में संभल कर रहना होगा। उच्च अधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर बहसबाजी भी हो सकती है, इसलिए आप किसी बात पर बहसबाजी करने से बचें। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आप अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें और जो भी व्यक्ति अस्थमा के मरीज हैं उनको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य ने 2रे भाव में गोचर किया है, जिसकी वजह से आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आप ऐसी कोई भी बात ना करें जिसकी वजह से आपके घर परिवार के लोगों के दिल को ठेस पहुंचे। नेत्रों से संबंधित यानी आंखों से संबंधित परेशानियां पैदा हो सकती हैं। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। पैसों के लेन देन में आप सावधान रहें। अगर आप किसी मंदिर में नारियल तेल की शीशी को दान करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है।